सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इमरजेंसी ड्यूटी। मॉर्निंग में इतनी भीड़ थी कि वीडियो और लाइव होना पॉसिबल नहीं था। अभी हमारी शिफ्ट कंप्लीट हो गई है और हम जा रहे हैं। आफ्टरनून शिफ्ट के बच्चे भी आए हैं, मॉर्निंग में बहुत से विद्यार्थी थे। सभी तरह के पेशेंट आज आए, काफ़ी पेशेंट आए, इवन बेड अभी खाली भी नहीं है। साथियों, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, कहने का मतलब है डॉक्टर के साथ इमरजेंसी ड्यूटी जब करते हैं तो फर्स्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ हमेशा फार्मासिस्ट करता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद साथियों उनको जो है क्या कहते हैं कि वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे नर्सिंग केयर करने का काम नर्सों का है। साथियों, अभी हम वार्ड का लाइव आपको दिखाएंगे और सारे बेड भरे हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट अभी भी काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साथियों, ये इमरजेंसी वार्ड है। ये देखिए स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं, और ये डेंगू पेशेंट जो भर्ती है, लड़की सुबह से आई थी, उसको भर्ती किया था। ये देखिए आरएल को चढ़ रहा है। बहुत से मरीज हैं जो कि जेरियोटिक एक पेशेंट भर्ती हैं। सभी बेड अभी जो है भरे हुए थे, धीरे धीरे जो है शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए, मैं एक मिस्टर आनंद विद्यार्थी आए हैं। साथियों, मॉर्निंग में हम लाइव नहीं हो सकते हैं क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि आपको बताना मुश्किल है। सभी जगह पर हैं, ये देखिए इनको इंट्रिक फीवर है, अभी इनको सिफ्ट्राइक्जोन इंजेक्शन लगाया है और आरएल चढ़ रही है, साथ ही साथ ओमिप्राजोल इंजेक्शन लगा है। साथियों, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब भी आप ट्रीटमेंट दीजिए उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाइए, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान जो है वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर थोड़ा सा अजीब सा लगता है और डॉक्टर भी उसको आर्गुमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज कम से कम 20 पेशेंट भर्ती हुए, जिसमें 8 या 9 पेशेंट जो है ट्यूबरकुलोसिस के थे, 3 या 4 डायरिया के थे, इसी तरह से मिक्स जो है ओल्ड एज थे, एडमिट किया गया है। और उनको विद्यार्थियों ने हमारे वीको आईवी सेट लगा के, जो भी बीएसटी पे डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है, उसका पूरा ट्रीटमेंट जो है स्टूडेंटों ने किया है। मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती है, आफ्टरनून में भी 10 और 12 स्टूडेंट रहते हैं, विद्वत हैं। और मैं यही कहूँगा फार्मासिस्ट जो ट्रेनी है कि साथियों, आप ऐसी जगह से सीखें जहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी संपादित हों, ताकि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकें। दवा का वितरण तो हर अस्पताल में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो दवा के बारे में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, लेकिन शिफ्ट चेंज कर कर के लगाते हैं। ये देखिए साथियों, ये हमारे 2 विद्यार्थी पंजाब से आए हैं और एक बिहार से आए हैं। आप किसका है? अच्छा, हरियाणा परवल डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आए हैं, यूट्यूब देख के। लखनऊ में टीबी अस्पताल ठाकुरगंज, जहाँ पे हम पोस्टेड हैं, संयुक्त चिकित्सालय है। और आप बिहार से आए हैं, ये देखिए स्टूडेंट साथ में, आप भी बिहार से हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं और सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और वापस जो है अपने क्षेत्र में जाके कोई क्लिनिक चलाता है, कोई जो है रिटेल की शॉप, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। बहुत से विद्यार्थी बहुत जगह से आए, हैदराबाद से भी स्टूडेंट बहुत बार आए हैं, अंडमान निकोबार, आगरा से, दिल्ली के, हरियाणा के, और जो है वेस्ट बंगाल का भी हम स्टूडेंट एक जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं। फिरोज अहमद, हेलो, थैंक यू फिरोज, क्या है सभी का? फिरोज अहमद, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। साथियों, लाइव होके आप हमसे किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। साथ ही साथ अगर आप अभी नहीं लाइव हैं तो आप बाद में भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथियों, देखिए एक और विद्यार्थी ये आए हैं, आपका नाम क्या भैया? अताउल्ला। अताउल्ला जी, आप कहाँ से हैं?
मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आए हैं। ये बी फार्मा वहाँ पे कर रहे हैं। क्या कॉलेज का नाम क्या है? LVR कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये हरियाणा में है साथियों, जो हरियाणा के लोग हैं वो जानते होंगे। LVR कॉलेज जो है बी फार्मा डी फार्मा दोनों ही कराता है, और वहाँ से आए हैं हमारा यूट्यूब चैनल देख के हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के लिए। साथियों हमारी शिफ्ट ओवर हो गई है, अभी मॉर्निंग में जो भीड़ होती है उस समय वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। सभी तरह के पेशेंट आते हैं और उनको ट्रीटमेंट देने में ही इतना व्यस्तता रहती है कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। साथियों बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जब भी आप ट्रीटमेंट दें उस समय वीडियो ज़रूर बनाइए, पर ये रात में पॉसिबल होता है। बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिसमें हमने ट्रीटमेंट दिया है और वीडियो भी बनाया है। आजकल जो सीज़न है उसमें डेंगू पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, या एंट्रिक फीवर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। साथियों डेंगू के जो पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा दवाई नहीं चलती है, बस हफ्ते उसका BP चेकअप करते रहना है और 48 घंटे पे डेंगू मतलब प्लेटलिस्ट की जांच करानी है। प्लेटलिस्ट अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है तो उसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ओरल जितना दे सकते हैं, जैसे ORS घोल है, इलेक्ट्रॉल है, इनर्जाल है, पुनर्जाल है, और साथ ही साथ जो है उनको आप जो है RL लगा सकते हैं और ऑब्जर्वेशन करना है। एक दो दिन तो लग ही जाता है साथियों डेंगू के पेशेंट को ठीक होने में। अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन होती है तो उसको तुरंत जो है हायर सेंटर में रेफ़र करिए, ताकि वहाँ पे जो है अगर 5,000 या 6,000 या 10,000 तक आ जाती है तो उनको प्लेटलेट्स जो है चढ़ानी रहेगी। साथियों सोमवीर सैनी ने पूछा है कि सर जी फार्मासिस्ट होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट सर्विस, जो कार्ड होता है यूज करके। आई डोंट नो सोमवीर जी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। साथियों फिरोज खान कह रहे हैं आजकल आई आना कोई बीमारी निकली है, कहने का मतलब आंखों में रेडनेस हो जाती है और आंखों से पानी गिरने लगता है और आंखों में दर्द होने, इसके लिए आई स्पेशलिस्ट हैं। इस तरह के भी पेशेंट आते हैं। साथियों हमने अभी आपको अपनी इमरजेंसी का व्यू दिखाया, बहुत से पेशेंट शिफ्ट हो गए हैं वार्ड में और बहुत से अभी भी हैं जिनको मॉर्निंग में ट्रीटमेंट दिया गया है। अभी आफ्टरनून शिफ्ट में कोई पेशेंट ऐसा नहीं आया है। सर आई कार्ड होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का यूज, ऊपर क्या लिखा होता है? साथियों आई कार्ड तो मेरा भी बना है, उसी पर लिखा है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और हमारा ID नंबर लिखा है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, और हमारा ब्लड ग्रुप लिखा है और एड्रेस लिखा है। आई डोंट नो क्या सोमवीर जी पूछना चाहते हैं। सोमवीर जी आप स्टूडेंट हैं कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा। साथियों इसी के साथ विराम देंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया। सर मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहा हूँ। वेरी नाइस। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर से मिलके मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसका पैरामीटर है, वो पैरामीटर फुलफिल हो जाएगा और आपको DI जो है लाइसेंस दे देगा और आप रिटेल का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अगर आप होलसेल खोलना चाहते हैं तो होलसेल भी खोल सकते हैं। इसके लिए आप अपने DI ऑफिस जाएंगे, वहाँ से जो है आपको डिटेल मिल जाएगी, एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें सब डिटेल लिखी होगी कि आपको क्या क्या जो है ज़रूरत है और कितने बाई कितने की दुकान होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें जो है रूम के टेम्परेचर के लिए सभी कुछ लिखा होगा, स्पेस को कैसा होना चाहिए, ये सभी जो है पैरामीटर पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ एक फार्मासिस्ट, अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सौरभ वर्मा एम फार्मासिस्ट। साथियों टाइम बहुत हो गया है, अभी हमें जाना है,
तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। किसी तरह की क्वेरी है या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कोई जानकारी लेना है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथियों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।